Okay, so first of all, we will see what exactly the AC waveform is all about. जैसे हमने डीसी में देखा था yesterday, आपने शायद ड्रॉ भी करके लिया होगा, that we have a straight line indicating the DC and we have a waveform or we have a cycles, positive half cycle and negative half cycle of alternating quantity. Okay, so just going with the cycle का मतलब क्या है कि say for example you have a generator in which you have a coil. The coil is revolving around the its axis and as it is moving you can see that there is a that particular coil is like moving around the axis and it is say if you give a name to both sides side A and side B. So 180 degree rotation होने के बाद side A and side B will interchange its position. Okay, so once it is interchanging its position, it means that we are having a positive half cycle and negative half cycle associated with that movement. क्योंकि A और B जैसे अगर समझो, we have a pen. अगर आपके सामने पेन होगा तो पेन का जो टिप वाला पोजीशन है उसको अगर आपने ऊपर लिया और उसका जो ढक्कन वाला पोजीशन है उसको नीचे लिया और उसको 180 डिग्री मूव किया तो क्या होगा, जो पहले ऊपर था वो अभी क्या हो गया, नीचे आ गया और जो नीचे था वो अभी ऊपर हो गया, 180 डिग्री चेंज हो गया, राइट. सो सेम थिंग हैपन इन द एसी साइकिल ऑल्सो. जो पॉजिटिव टर्मिनल था दूसरे के कंपेरिजन में वो अभी निगेटिव हो गया, तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा किधर, एसी साइकिल में, एसी वेवफॉर्म में. तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और ये साइकिल्स पर सेकेंड में कितने होते हैं. सो नाउ दिस पर्टिकुलर वन सेकेंड विल हैव द 50 साइकिल्स. तो हम एसी में क्या करते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है कि हमारा साइकिल्स जो है 50 टाइम्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको. नेक्स्ट स्लाइड. या फ्रीक्वेंसी, यस, यही मैंने अभी आपको बताया. सो यूएस में ये पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज यूज होती है और इंडिया में यही है 50 हर्ट्ज. ओके, तो ये डेफिनेशन है आपके फ्रीक्वेंसी का. तो इसको आपको क्या करना है, एक बार आपके नोटबुक में राइट डाउन करना है. ये पीपीटी शायद आपको ग्रुप पे मैं अभी थोड़ी देर में डाल देता हूँ, ठीक है. तो आप वहां से इसको यूज कर सकते हैं और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, आफ्टर द फ्रीक्वेंसी वी आर गोइंग टू सी एंगुलर वेलोसिटी. नाउ एंगुलर वेलोसिटी इज रिलेटेड विद द जनरेटर और अल्टरनेटर. सो अल्टरनेटर जो है आपका वो किस तरह से काम करता है. अल्टरनेटर में जो कॉइल होता है वो कॉइल आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉइल यूर दैट कॉइल शुड बी मूवमेंट वाइज, मतलब मूवमेंट होना चाहिए वो कॉइल का, राइट. तो मूवमेंट होने के लिए ही रिक्वायर्ड सम मैकेनिकल एनर्जी टू मूव दैट कॉइल इन अ रोटेशनल फॉर्मेट. तो उसका एक वेलोसिटी बोलो या उसका एक स्पीड बोलो, वो हमें आइडेंटिफाई करता है कि कितने जल्दी ये अपना पोजिशन चेंज करेगा. जैसे कि अभी आपके हाथ में अगर पेन है तो पेन को अगर आपने दो उंगलियों से अगर घुमाने का कोशिश किया, ओके, दो उंगलियों से घुमाने का कोशिश किया तो आपका कुछ लिमिटेशन है कि आप इतने ही स्पीड से घुमा सकते हैं. कोई लोग एक सेकंड में एक रिवॉल्यूशन या दो सेकंड में दो रिवॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं, राइट. तो उसके ऊपर डिपेंड होता है ये एंगुलर वेलोसिटी, उसको ओमेगा बोलते हैं. ओके, गो अहेड. जैसे ओमेगा चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका फ्रीक्वेंसी में भी चेंजेस आएगा, रिएक्टेंस में भी चेंजेस आएगा. नेक्स्ट चेक. हाँ, नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू. अभी आप कहाँ पे हो, कहाँ पे बैठे हो, कहाँ पे खड़े हो, सब एक बार ऑब्जर्व करो. आर यू ऑल सिटिंग और स्टैंडिंग. अगर आप सिट कर रहे हो तो आप स्टैंड हो जाओ और अगर आप स्टैंडिंग हो तो कहीं पे बैठ जाओ. यू डन इट, टेल मी. यस सर. क्या किया, बैठे या खड़े रहे? खड़े रहे. खड़े हो गए. ओके, तो अभी क्या करना है आपको, वापस
ओरिजिनल पोजीशन में जाना है. सो नाउ यू हैव गिव मी अ मोमेंट. सो नाउ अभी आप जिस पोजीशन में हो, सिटिंग और स्टैंडिंग, वो इस मोमेंट का आपका क्या है, पोजीशन है. उससे की अकॉर्डिंग अगर हमने वेवफॉर्म को देखा तो वेवफॉर्म का भी एक अपना इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है कि वो पर्टिकुलर टाइम पे उस वेवफॉर्म में क्या वैल्यू आता है. ओके ओके. सो मूविंग अहेड विद दिस इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, वो हम लोग देखेंगे. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड. नाउ व्हाट हैपन इन द वेवफॉर्म, वी हैव पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल विच इज स्टार्टिंग एट जीरो, बट आफ्टर जीरो इट इज गोइंग टू रीच एट द मैक्सिमम वैल्यू. आफ्टर मैक्सिमम वैल्यू व्हाट हैपन, after reaching to the maximum value it is only possible at some degrees. अगर वेवफॉर्म की बात करेंगे तो आपका जो अल्टरनेटर का रोटर है वो कितना डिग्री मूव होता है, 360 डिग्री मूव होता है. सो 360 को अगर हमने देखा कि जीरो पोजिशन कब कब आता है, जीरो को आता है, 180 डिग्री को आता है और 360 डिग्री को आता है. तो मैक्सिमम कब आएगा, 90 and 270. ओके, 90 and 270. सो उसके बाद आपका जो ये वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो उतने डिग्रीज को ही रहेगा. ओके, आगे बढ़ते. नाउ वी कैन सी दैट अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का वैल्यूज देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो वैल्यूज आपके, अगर उसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज मतलब क्या, दोनों का टोटल करने का, डिवाइड बाय टू करने का. तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल इज एज एग्जैक्टली अपोजिट टू नेगेटिव हाफ साइकिल, राइट? डू यू एग्री विथ मी? यस सर. ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एवरेज प्रिंसिपल या एवरेज फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो ये समझ में आया क्या आपको, मैं क्या बोला? ओके ओके, नाउ गिव मी अ मोमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, उसका अगर हमने एवरेज निकाला तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड. आरएमएस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना, तो इसको ध्यान में रखिए अभी, ठीक है? नाउ व्हाट हैपन, एवरी टाइम यू what we can say, cannot get an average value which is zero, or you cannot get a maximum value, or your instantaneous value is always changing. Do you agree with me? Hello? Instantaneous value जो है वो क्या हो रहा है, change हो रहा है. Instantaneous value जो है वो change हो रहा है, and maximum value use नहीं कर सकते. So now RMS value plays an important role. Okay? RMS value का meaning क्या है, कि रूट मीन स्क्वेयर. तो जितने भी एवरेज वैल्यू है, ये सारे एवरेज वैल्यूज को आपको क्या करना होगा, इसका स्क्वेयर करना है. ओके, एंड इसका मीन निकालना है. तो अभी स्क्वेयर करने का मतलब क्या है, कि हम निगेटिव का स्क्वेयर करेंगे तो क्या मिलता है हमें, इफ यू स्क्वेयर द निगेटिव वैल्यू व्हाट वी गेट, डू वी गेट अ पॉजिटिव आंसर? यस, परफेक्ट आदित्य. सो पॉजिटिव का अगर हमने मीन निकाला, मीन मतलब वही एवरेज, तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा एवरेज करने के लिए. सो वी आर गेटिंग द मीन ऑफ स्क्वेयर वैल्यूज, बट स्क्वेयर वैल्यूज तो क्या हो जाएंगे, डबल ट्रिपल ज्यादा बढ़ जाएगा ना उसका वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 2 का स्क्वेयर हो गया 4, 4 का स्क्वेयर हो गया 16, तो इस तरह से उसका वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. तो इससे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है. एंड अवॉइड करने के लिए क्या होगा, वी हैव टू टेक अ रूट. रूट मतलब क्या, अंडर रूट, स्क्वेयर रूट लेना है उसका, सो दैट वी विल बी गेटिंग अ वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट आरएमएस वैल्यू. ओके, तो जो हम 230 वोल्ट वगैरह देखते हैं हमारे टीवी पे या किधर भी जहाँ पे लिखा होता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, कितने लोगों ने देखा ऐसा लिखा हुआ 230 वोल्ट, हैव यू सीन इट, जस्ट टाइप और रेज योर हैंड. यस, सो वो जो 230 वोल्ट होता है वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता है, वो आपका एवरेज वैल्यू नहीं होता है, ये आपका क्या कहते हैं उसे, ये होता है आपका ये आपका होता है आरएमएस वैल्यू, एंड दैट आरएमएस वैल्यू प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, सो यहाँ तक सबको क्लियर है, आई होप सो. परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड. फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डेफिनेशंस आपको लिखना जरूरी है, सो यू जस्ट राइट इट डाउन. ओके,
सो लिखना हो गया, जैसे लिखना हो गया मुझे बताओ, राइट दिस डाउन इन योर वर्कबुक और योर नोटबुक।